हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम आपके लिए लाए हैं डीडी फ्री डिश की लेटेस्ट अपडेट, जो कि डीडी फ्री डिश से निकल के आ रही है, यानी प्रसार भारती की ओर से निकल के आ रही है। एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है प्रसार भारती की ओर से, जो डीडी फ्री डिश से रिलेटेड है, प्लस डीडी के सभी चैनल से रिलेटेड है। तो आज हम प्रसार भारती की बात करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, प्रसार भारती के सभी चैनल डीडी नेशनल को छोड़ कर के सभी चैनल एसडी क्वालिटी में चल रहे हैं। और जैसे कि आप जानते हैं, डीडी फ्री डिश MPEG-2 पे ज़्यादा वर्क करती है और MPEG-4 पर बहुत कम, यानी MPEG-4 पर सिर्फ एक ही फ्रिक्वेंसी है डीडी फ्री डिश के पास। इस टॉपिक पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। और हमारा एक सेकंड यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है एक्टिव फ्री डिश यूट्यूब चैनल, आप उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो बढ़ते हैं आज के वीडियो के टॉपिक के साथ। आज हम आपके लिए लाए हैं डीडी फ्री डिश से रिकॉर्डेड एक गुड न्यूज। जैसे कि आप जानते हैं, डीडी फ्री डिश पर स्लॉट्स की कमी के चलते डीडी फ्री डिश पर कुछ चैनल लॉन्च नहीं हो पा रहे हैं। तो अब डीडी फ्री डिश को पीएम मोदी की ओर से 2500 करोड़ रुपए का फंड मिला है, जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे वर्क करने के लिए मिला है। जैसे डीडी फ्री डिश अभी MPEG-2 टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, लेकिन आने वाले समय में MPEG-4 टेक्नोलॉजी पे भी काम करेगी डीडी फ्री डिश। अब जो डीडी फ्री डिश को कमी फील हो रही है वो है फ्रिक्वेंसीज की, जो कि लेटेस्ट फ्रिक्वेंसी खरीदनी पड़ेगी डीडी फ्री डिश को। तो इसी के चलते पीएम मोदी की ओर से 2500 करोड़ रुपए डीडी फ्री डिश को, यानी प्रसार भारती को मिले हैं सभी, जिसमें सबसे पहला नाम आता है डीडी फ्री डिश का, और सेकंड नाम आता है डीडी के सभी चैनल्स का, और थर्ड नाम जो आता है वो है ऑल इंडिया रेडियो, यानी आकाशवाणी के सभी चैनल्स को अपग्रेड करने का। तो पीएम मोदी की ओर से 2500 करोड़ रुपए डीडी फ्री डिश यानी प्रसार भारती को मिला है सभी सिस्टम्स को अपग्रेड करने के लिए, चाहे वो डीडी फ्री डिश के फ्रिक्वेंसीज की बात करें, चाहे डीडी के सभी चैनल को एचडी करने की बात करें, या फिर ऑल इंडिया रेडियो के सभी चैनल्स को हाई टेक्नोलॉजी यानी नए स्टूडियोज एंड नई टेक्नोलॉजी के साथ ऑल इंडिया रेडियो को नई शुरुआत दे। जैसे कि लेटेस्ट जमाना अब चल रहा है, हाई टेक्नोलॉजी पे सभी चीज वर्क कर रही है, वैसे ही डीडी के सभी चैनल्स नई टेक्नोलॉजी के साथ सभी को देखने के लिए मिलेगा। ऐसे ही डीडी फ्री डिश को अपग्रेड किया जा रहा है MPEG-2 से MPEG-4 पर, ताकि दर्शकों को ज्यादा से ज्यादा चैनल्स मिले और ज्यादा से ज्यादा अच्छी क्वालिटी और बेहतर क्वालिटी मिले। पीएम मोदी की ओर से 2500 करोड़ का जो फंड मिला है प्रसार भारती को, अब प्रसार भारती डीडी फ्री डिश और दूरदर्शन के सभी चैनल्स एंड AIR यानी ऑल इंडिया रेडियो को अपग्रेड करने का काम करेगा। अब देखना यह है डीडी फ्री डिश पर कब तक न्यू फ्रिक्वेंसी ऐड होती है और कौन सी टेक्नोलॉजी पर ऐड होती है, MPEG-2 में होती है या MPEG-4 में। अब देखना यह है कि ये नई फ्रिक्वेंसी कब तक ऐड होती है। तो ऐसी ही जानकारी हम आप तक लाते रहेंगे डीडी फ्री डिश से रिकॉर्डेड। हाँ, आप हमारे चैनल पे बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि हमारी वीडियो आपको मिले सबसे पहले। फिर मिलेंगे हम किसी और टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।